नमस्कार दोस्तों, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन अनलॉक जिंदगी, इस एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर विजय मेहता जी से। विजय मेहता जी एक जाने माने गायक हैं और आज हमारे साथ लाइन पे लाइव हैं। विजय मेहता जी नमस्कार। नमस्कार मोहन जी, सबसे पहले तो आपको देवभूमि चैनल को क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। उसके साथ साथ आपने जो ये खास प्रोग्राम शुरू किया है लॉकडाउन अनलॉक जिंदगी, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है और देखने वाले सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जा सके। और मुझे इस चैनल का हिस्सा बनाने के लिए आपने इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हाँ मेहता जी, ये बताइए आपका लॉकडाउन कैसे चल रहा है? जी, मैं जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले अपने गांव आया हुआ था और उसके बाद अगले दो दिन बाद जब फिर लॉकडाउन की घोषणा हुई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गांव में ही रहूंगा, गांव में रहकर कुछ क्रिएटिविटी करूंगा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखते हुए ज़्यादा मूवमेंट नहीं करूंगा। तो ये करते हुए मैंने यहां पर अपने सिस्टम के साथ, जो कि मैं अपने साथ लेकर आया था, उसके साथ मैंने शाम को गीत गाना शुरू किया और उन गीतों को फेसबुक पर लाइव पोस्ट करना भी शुरू किया। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं कुछ लिखूं भी, क्योंकि यहाँ मेरे पास समय काफ़ी था, तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया। दो कविताएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, एक शेरो शायरी मैंने यहाँ पर लिखी है, कुछ शेरो शायरी की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। माना कि सूरज निकलता है पर दिन भी तो ढलता है, भला अमीर होना भी किसको खलता है। यूं तो खतरा भांपने का हुनर है इंसान में, न जाने कैसे आस्तीन में फिर सांप पलता है। मेरी शायरी पर तुम्हें एतराज है तो असंभव कैसा, मेरी तो लकीरों को भी मेरा फकीर होना खलता है। वाह बहुत खूब बहुत खूब। हाँ मेहता जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप गांव में रहकर भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी बनाए रख रहे हैं। मेहता जी मैं चाहूंगा कि एक गाना आप मेरी फरमाइश का सुना दें। तुम जो मिल गए हो, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। जी जरूर, आपकी फरमाइश का गीत है वो, मैं आपके लिए बिल्कुल गाऊंगा। उसके लिए मुझे अपने सिस्टम तक पहुंचना पड़ेगा और आपके लिए गीत मैं पेश कर रहा हूं। धन्यवाद। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है
देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि जमीन से कभी आसमान मिल गया, के जहां मिलते हैं फिर लॉकडाउन अनलॉक जिंदगी के नए एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय। तपते दिन में सा